अस्सलामुअलैकुम OMG फैमिली, आप कैसे हैं? आज मैंने आपको अपने DIY क्वाइट बुक का टूर देना है और ये मैंने इंटायरली खुद ही नहीं बनाई थी, ये मेरी मामा ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कूल फीचर्स हैं और इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप फ्रूट आप अपने ट्री के ऊपर लगा सकते हैं और फिर एक बास्केट भी होती है जिसके अंदर आप उसको डाल सकते हैं। और उसके बाद आपके पास टू चॉइसेस होते हैं वेदर की, एक आपके पास सनशाइन होती है और एक आपके पास रेन होती है। और ये जो फ्लावर्स हैं ये भी उतर सकते हैं जो कि बहुत कूल है। जो नेक्स्ट पेज है इसके अंदर ये एक बेडरूम है और इसके अंदर ये डॉल इस तरह स्लीप भी कर सकती है और इसके ये कर्टन्स भी ओपन होते हैं और इसके अंदर ये हम एक छोटा सा सीन भी बना सकते हैं, जैसे कि आप ये क्लाउड्स लगा सकते हैं और बर्ड्स लगा सकते हैं। और साथ में जो ये ड्रेसिंग टेबल है इसके अंदर ये एक हेयर ब्रश भी है और एक रियल मिरर है जो कि बहुत कूल है। और ये मैं अपनी डॉल को भी ड्रेसअप कर सकती हूँ जो कि बहुत कूल है और मुझे ये बहुत पसंद आता है जब भी मैं ड्रेसअप कर सकती हूँ। और ये जो नेक्स्ट पेज है वो बहुत ज़्यादा कूल है क्योंकि ये एक वॉशरूम है और सरप्राइजिंगली ये तो एक बहुत रियल वॉशरूम की तरह लगता है। और इसके अंदर एक टॉवल भी है जो कि रियल है और इसके अंदर एक रियल रग भी है और इसके अंदर स्लीपर्स भी हैं डॉल के। और इसके जो नेक्स्ट पेज है वो बहुत ज़्यादा कूल है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत कूल वॉशिंग मशीन सीन है और इसके अंदर जो वॉशिंग मशीन है इट्स सो कूल। और ये आपकी जो एक जो इसके बाद वाला नेक्स्ट पेज है इसके अंदर सारे क्लोथ्स हैं डॉल के और इसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने डॉल के लिए। और ये मैं इतने ज़्यादा मेरे पास ऑप्शंस थे तो अब इन सारों को मैं आपको दिखाऊंगी कि वॉशिंग मशीन में मैं कैसे डालती हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये सारे आउटफिट्स देख लें, ये इतने ज़्यादा प्रिटी हैं और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम इन सारे आउटफिट्स को लेंगे और अब हम इनको जाकर हम वॉश कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़े से डर्टी लग रहे हैं। तो एक लॉन्ड्री बास्केट भी है यहाँ पर इस सीन में और फिर इसके अंदर एक वॉशिंग मशीन है और वॉशिंग मशीन के अंदर एक्चुअली क्लोथ्स जा भी सकते हैं और आप क्लोथ्स को हैंग अप भी कर सकते हैं जो कि एक बहुत बहुत कूल फैक्ट है। लेकिन मेरे तो फेवरेट फैक्ट वॉशिंग मशीन है। ये हैंगर्स मैंने क्लिप से बनाए हैं और ये मैंने सारी क्वाइट बुक के लिए मैंने मोस्टली फेल्ट शीट यूज़ की थी। और थोड़े से ड्रेसेस के लिए मैंने फोम शीट भी यूज़ कर ली थी क्योंकि मेरे पास हर कलर की फेल्ट शीट नहीं थी। इसलिए अब आप देख सकते हैं कि ये सारे आउटफिट्स डॉल के ऊपर कैसे लगते हैं। अब जो नेक्स्ट पेज है वो मेरा सबसे फेवरेट पेज है सारी क्वाइट बुक में से क्योंकि ये एक बहुत कूल किचन है और इसके अंदर आपके पास प्लेट्स और क्रॉकरी भी है और ये भी हमने फेड शीट से ही बनाई थी। और ये जो फ्रिज हमने बनाया था वो हमने बेबी वाइप्स के कैप से बनाया था और ये हमने सारा कुछ ऑलमोस्ट फेल्ट शीट से बनाया था। और ये सारा कुछ डॉल ईट भी कर सकती है और बहुत ज़्यादा हमने मुश्किल से फूड आइटम्स भी बनाए थे और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है सीन। और जो नेक्स्ट पेज है ये हमारा फ्रंट पेज है और इसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ था। और ये जो लास्ट पेज है ये एक बहुत कूल पार्क सीन है और इसके अंदर आपकी डॉल सीसा पे बैठ भी सकती है और ये एक्चुअली सीसा वर्क भी करता है और इसको हमने बटन से किया था ताकि वो वर्क भी कर जाए। और ये हमने प्लेटफॉर्म भी बनाया था स्विंग का ताकि ये भी वर्क कर जाए। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन फिर भी मेरा फेवरेट तो किचन है। और ये है मेरी पूरी क्वाइट बुक का रिव्यू और आई होप यू एंजॉयड इट और डेफिनेटली आप ये बनाएं। एंड अगर आप बनाएंगे तो मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसको बनाने का। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन कीप लाइकिंग मेरी OMG एंड रिमेंबर इफ आई कैन यू कैन डू। बाय बाय।